वसई तालुका में खाकी वर्दी की गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी का आमरण उपोषण। खाकी वर्दी की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आमरण उपोषण कर रहे हैं। वहीं इनकी मांग है कि दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग के साथ साथ उन 7 कार्यकर्ताओं पर जो झूठा केस लगा है उस केस को हटाया जाए। वाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत तुंगारेश्वर फाटा पर 9 जनवरी 2019 को 3 अज्ञात लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को फोन करके वहां पर बुलाया। वहां पर पहुंची बीट मार्शल पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाली गलौज देते हुए पुलिस स्टेशन में चलने को कहा और उन अज्ञात लोगों को भी पुलिस स्टेशन लेकर आए, लेकिन उन अज्ञात लोगों को छोड़ दिया। जबकि उनको छोड़ने का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो उनको पुलिस वालों ने रात भर पीटते रहे। पुलिस से धक्का मुक्की गाली गलौज करने के आरोप में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ 353, 352, 143 और 504 के तहत मामला दर्ज कर दिया। पुलिस द्वारा खाकी वर्दी के आड़ में मारपीट करने वाले दोषी पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों को निलंबित करके उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। इनके द्वारा दर्ज किए गए झूठे केस को रद्द किया जाए, मांग को लेकर आमरण उपोषण किया जा रहा है। पेश है वसई की यह खास रिपोर्ट। विजेंद्र जी, बताइए आपको धरना पे बैठने की वजह क्या है? धरने पे बैठने की वजह तो अभी पूरा जिला जानता है। आप बोल रहे धरने की बैठने की वजह, आमरण उपोषण है हमारा जो 8 जनवरी को मेरे साथ में और मेरे साथ में 6 पदाधिकारियों के साथ में युवा मोर्चा के बेकायदे सिर मारा पीटा गया वाली पुलिस स्टेशन में और हमारे ऊपर खोटे गुना दाखिल किए गए 353। और ये टोटली जो मसला है वाली पुलिस स्टेशन का मसला है, जो कि उसमें कुछ मिस्टर माने, चौधर, राजदार और 4 कांस्टेबल और हैं जिन्होंने हमको मिलके सबने मारा है। कौन से संविधान में लिखा है कि पुलिस ने मारा है और पीटा है और इतने बुरी तरीके से मारा है जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल हो या कोई मर्डर करके आए हो या चोरी डाल के आए हो किधर, इस तरीके से उन्होंने हमारे साथ में बर्ताव किया है। 12 बजे 11:30 बजे मारा है, 1.5-2 घंटे मारा है सबको। उसके बाद सुबह 7 बजे मेडिकल पे भेजते हैं। कौन सा कानून बोलता है कि मारने के पहले या FIR के पहले जाना चाहिए मेडिकल पे? FIR के बाद इन्होंने 7 घंटे के बाद मेडिकल पे भेजा है। आपको क्या लगता है पुलिस की यहाँ पे उसे तलकम तानाशाही चल रही है? 100% तानाशाही है। आम जनता के साथ में इतना गंदा बर्ताव है यहाँ की पुलिस का, या आप हर पुलिस स्टेशन से पूछ लीजिए। मेरे पास और 2-4 यहाँ पे पेपर आए हुए हैं जो कि गलत तरीके से कुछ भी इनके पास जाएंगे उल्टा उनके ऊपर गुना दाखिल कर देते हैं लोग। कहीं पे भी वाली ले लो, तुनिंज ले लो, विरार ले लो, कोई भी पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग किसी से झगड़ा हुआ था और उनको छोड़ दिया गया, आप लोग को आरोपी बना दिया गया। जो झगड़ा हुआ था वो दूसरे अननोन आदमी थे जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट किए थे, उनको पकड़ के हमारे ही कार्यकर्ता लेके आए वहाँ तक पुलिस की मदद करके, और बाद में उनको छोड़ दिया, पुलिस स्टेशन से ही उनको छोड़ दिया गया। तो ये मिलीजुली भगत थी, सेटिंग थी उन लोगों की, और दोनों पुलिस उनको जानती है कौन आरोपी थे वो, उनको जानबूझ के इन्होंने छोड़ा है। इसके लिए हम लोग वहाँ पे हमारा हाइपर हो गए हम लोग सब, और हाइपर होना भी संभव अच्छी बात थी क्योंकि मैं मेरे कार्यकर्ताओं को पिटते कैसे देख सकता हूँ? अगर आप कोई भी है मेरे कार्यकर्ता है और वहाँ पे आप बदतमीजी से बात कर रहे, मार हमारा कार्यकर्ता खाया है उल्टा, और यही किया है। आपकी मांग क्या है? जो मांग यही है कि जो गुना दाखिल किया है वो टोटली फर्जी है। 100% अगर उसकी जांच होगी, उनके CCTV कैमरे में पूरा रिकॉर्डिंग है क्या हुआ है फर्स्ट टू एंड, तो ये 100% रद्द होनी चाहिए। और जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व है, जिसने गलत काम किया है, उसके अगेंस्ट में केस दर्ज होना चाहिए। हमारी झूठी मांग नहीं है आप इसको फंसाओ उसको फंसाओ, जो गुनाह किया है तो उसके अगेंस्ट में आपको केस दर्ज करना चाहिए। तीसरा, वो लोग यहाँ से निलंबन तुरंत होनी चाहिए उनकी। 2 बार हम लोग ने लेटर डाला है कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कोई भी उनका यहाँ पे ये आया नहीं है, पत्र नहीं आया, हमको फ़ोन नहीं आया। उपोषण के बाद उनके फ़ोन आने चालू हुए, ये करो वो करो, मैं बोला नहीं, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, ये 3 मांगे हमारी जो पीछे बोर्ड पे लिखी है ये नहीं होगा, तो हम लोग बिल्कुल भी धरने से हटेंगे नहीं। आप लेडीज और जेंट्स के साथ में धरना पे बैठी, वजह क्या है यहाँ पे धरना पे बैठने की? धरना पे बैठने की वजह ये है कि हमारे जो युवा कार्यकर्ता है उनके ऊपर 9 जनवरी को गलत FIR दर्ज करके
353 का कलम उन पे लगा के 3 दिन उनको जेल में रख के और उनके ऊपर अन्याय किए हैं। अगर देखने के लिए जाएंगे तो जो FIR उन्होंने बनाया है, जो कलम लगाया है, वो सब झूठा है, क्योंकि पुलिस लोगों ने हमारे पदाधिकारियों को मारा है, उनको गलत गलत वर्ड यूज़ किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तुम कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी को गंदी अपशब्द उन्होंने बोले हैं। बजरंग दल, RSS, जितने भी हिंदू संगठन है, उनके बारे में गलत वर्ड यूज़ करके उन्होंने उन BJP के युवा पदाधिकारियों को उन्होंने मारा है, और उनके ऊपर 10 मिनट में उन्होंने FIR दाखिल कर दिया है। हम लोगों को यह इनसे पूछना है कि ये ऐसा कौन सा गुनाह इतना बड़ा हमारे इन पदाधिकारियों ने किया था कि जिनके ऊपर आपने 353 जैसा कलम लगाकर, उसमें जो लड़के हैं, कोई इंजीनियर है, कोई नेवी के घर से है, ऐसे अच्छे फैमिली के घर से जो लड़के हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले जैसा काम इन्होंने किया है, तो इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या था? कुछ पर्सनल उनका BJP के कार्यकर्ता के ऊपर गुस्सा था, वो उन्होंने निकाला कि क्या है वो, हम लोगों को पता होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है और हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। इस धरने पे हमारी जिला से हम 7 महिलाएं बैठी है, जो कल सुबह जब से ये यहाँ आने से पहले हम लोग हमारे जिला कार्यालय से एडिशनल SP ऑफिस की तरफ करीब करीब 2000 लोगों का मोर्चा लेके हम लोग यहाँ पे आए, उस मोर्चे में शामिल होके फिर यहाँ पे अनशन में हम लेडीज़ लोग बैठी है, और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है, पुलिस गलती करती है, अपनी गलती बचाने के लिए 353 लगा देती है आम नागरिकों के ऊपर? अभी ये आप ही बोल रहे हैं, आपको पता चल रहा है सच क्या है, झूठ क्या है। 353 कलम मतलब इनके हाथ में, इनको ही गुनाह करने के लिए एक छूट मिली है, ऐसी बात हो गई है। कुछ भी हो जाए, अभी 2 दिन पहले हमारा और एक कार्यकर्ता है जिसके साथ नाला सोपरा तुलिंज पुलिस चौकी में इंसिडेंट हो गया, किसी लेडीज़ के प्रॉब्लम के लिए वो उनको पूछने के लिए गया कि आपने इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं ली, तो वो तुम्हारी कौन लगती है, तुम उसकी बाजू क्यों ले रहे हो, ये सब बातें करके जब भी हमारे पदाधिकारी ने बोला कि भाई आप जो बोल रहे गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो मेरी बहन है, कोई भी है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो एक आम नागरिक है, आपके पास आई है तो उसका दुख दर्द आपको समझ लेना है। इतने में ही उनको भी बोला गया कि आपके ऊपर भी 353 धारा लगाई जाएगी, इसमें भी यही किया है उनको, जो 353 धारा का जो उनको एक शस्त्र उनके हाथ में मिल गया है उसका वो गलत इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आप लोग धरने पे बैठे, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द जो कुछ हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होके, जो जिनके ऊपर आप लोगों ने ये 353 कलम लगाया है, उनके ऊपर FIR दाखिल किया है, सबसे पहले तो वो आपको कैंसिल करना होगा, क्योंकि ये गलत है। उसके सबूत हमारे पास है, वो सबूत आप ले सकते हैं और देख सकते हैं क्या सच है क्या झूठ है। जिन पुलिस वालियों ने हमारे इन पदाधिकारियों को मारा है, गलत वर्ड यूज़ किए हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और उनको निलंबित कर देना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।